रात को ये अचानक से ऐसे चिल्लाने लग गया। देखा तो उल्टी उल्टी भी किया था और साथ में ये देखो तो पीछे बाहर निकल गया था और उसके बाद से ब्लीडिंग कंटिन्यू चालू ही है सुबह तक। इसने कुछ फोर्स लगाने की कोशिश करी हुई तो साथ में इंटेस्टाइन भी बाहर आ गई। पेन में होगा, बहुत पेन में रहेगा। तो ऑलरेडी बहुत डैमेज है, हाई रिस्क ऑफ इनमें बचेगा। अगर हम सर्जरी करते भी हैं तो वो इंटेस्टाइन अब यूजफुल है ही नहीं। अगर कुछ हो गया रहता है इसको, मतलब खत्म हो गया रहता तो बात अलग, ऐसे तड़फ रहा ये घर में, मतलब वही बात है तो नहीं देखा जाएगा ना हम लोग से, इसलिए आ गए हम लोग। सर्जरी जबरदस्ती करेंगे तो वो सिर्फ सफर करेगा, हमारे पास कोई सलूशन नहीं है इसके लिए। तो क्या कर सकते हैं आप ये बताइए क्लियरली, मतलब कुछ डेथ हो जाएगी या कि खुद से ही मुझे बेहोश करके डेथ कर देंगे, ऐसा कुछ बेहोश कर सकते, मतलब जिसको मर्सी के लिए बोला जाता है क्या वो नहीं बोल रहे हैं मार देंगे? नहीं ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप ऐसे नहीं बोलिए कि हम ये नहीं बोल रहे हैं मार देंगे, मार देंगे नहीं मतलब क्योंकि देखिए मैम अगर आपने रखा है तो डॉग सिर्फ सफर करेगा, इंटेस्टाइन ऑर्गन नहीं, तो जैसे घर में जाके मर जाएगा खत्म हो जाएगा तो नहीं चलेगा, फिर सफर ही करेगा ना, बोल रहे हैं ना और सफर ही करेगा, वो सफर का बात कर रहे हैं कि मतलब हां कि मतलब वही वैसे मेरा मतलब है वो तड़पेगा। चुन्नू चुन्नू उठ बेटा, उठ जा। तो क्यों कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ ना, कर लीजिए। पूरे चार्ली को लेके चलेंगे? हाँ जी चार्ली जा रहा है, चलो चले। चार्ली पीपल फार्म उस साइड है। वेलकम बैक टू पीपल फार्म चार्ली। चार्ली ने पूरी रात शोर मचाया। चार्ली यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कमजोर हो गया काफी। चार्ली को तो ये भी नहीं पता बेचारे को ना कि संजू वो अच्छे से पहुंच गई ना मैरी जेन नेहा के यहाँ। मैरी जेन इतने प्यार से आई है ना, सब कुछ एंजॉय करते हुए देखते हुए कि अरे वाह मैं तो अपने घर जा रही हूँ। ललित और मैरी जेन दोनों साथ में सो रहे हैं, साथ में खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है ललित की उसकी दोस्त आ गई है घर पे। तो नेहा भी हमसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी, तो देखा आपने जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हमारी रीच बढ़ती है, हमसे अच्छे लोग जुड़ते हैं और हमारे यहाँ से अच्छी अडॉप्शन होती है। अब कमेंट्स के बारे में मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था, आप हमसे सवाल पूछते हैं हम आपको जवाब देते हैं, आपको वो जवाब पता होते हुए भी जब नए लोग सेम सवाल पूछते हैं आप उनसे एंगेज नहीं करते, ऐसा क्यों है ये हमें बताइएगा। और एक चीज जो आप हमसे पूछते आए हैं कि भाई हमारा नाम पीपल फार्म क्यों है, उसका जवाब मैं आपको एक मिनट में दूंगा। हेलो भाई साहब, इसने मत्थे पे बर्ड क्यों डाल रखे हैं? तुम एक रात काउ शेड में बिताओ फिर देखूंगा तुम्हारे वो टेबल आते हैं नहीं। आज सब सिम्बा की आंख की सर्जरी है। एक्चुअली कल मेरे कॉलेज की वजह से कोई सर्जरी नहीं हो पाई सर। क्यों है ना, क्योंकि कल खाना चला गया था सुबह इसको। डू नॉट फीड सर्जरी टुडे। फू मेरी जान, रुक जा। मैं नहीं, आई एम स्केयर्ड प्लीज। Well, fuck it up. Which one? Who's gonna do what? He's fucking me. All right, Simba, my lovely. Let's get the cat and not Sahil. झिलमिल को बाहर लाना है। ओ ये बाहर है। रात को क्या हुआ था कि ये अंदर घुस रही थी एनिमल एरिया में, बाहर नहीं टिक रही थी और हमें था कि घोड़े खच्चरों के पैर के नीचे ना आ जाए, तो फिर रात को इसको कैनल में सोना पड़ा था। हमारा नाम पीपल फार्म क्यों है इसको लेके मैंने एक रील शूट करी लेकिन वो चली गई मिनट से ऊपर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे देखिए। आज से 9 साल पहले हमारा नाम था बदमाश पीपल। बदमाश इसलिए क्योंकि हमने पीपल के पेड़ की एक खास बात को ज़्यादा महत्व दिया था कि वो खाली पड़ी इमारतों में खुद ही निकल आता है, फिर उसकी जड़ें पुरानी दीवारों में दरारें पैदा करती है और इन दरारों में एक नए पौधे को पनपने की जगह मिलती है। तो हमें भी किसी ने इनवाइट तो किया नहीं था और हम भी पुरानी रूढ़ीवादी सोच में दरारें पैदा करके नई सोच की जगह बनाना चाहते थे। और पीपल इसलिए भी कि भाई अंग्रेजी में पीपल का तात्पर्य है लोग,
और जब लोग यहाँ पे आएंगे तो जैसे चिड़िया पीपल के फल को ले जाके कहीं गेरती है, वहाँ पे एक नया पौधा निकलता है, तो लोग भी जो यहाँ से सीख के जाएंगे उससे एक नई शुरुआत करेंगे। पर लोगों के आने से पहले उनके माता पिता का फ़ोन आता था और हमें उन्हें यकीन दिलाना पड़ता था कि जी नहीं, हम जुए शराब वाले बदमाश नहीं, हम तो एक एनिमल रेस्क्यू हैं। और जैसे जैसे लोगों के आने का सिलसिला बढ़ा, फ़ोन कॉल्स भी बढ़ी और हमें लगा कि समय आ गया कि हम अपना नाम बदलें। और हमने अपना नाम रखा पीपल फार्म। और पीपल इसलिए भी क्योंकि कर्मयोगी महात्मा बुद्ध को ज्ञान पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था और कर्मयोगियों के इष्ट भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूँ। काफी लोगों की हड्डियाँ तोड़ी है उसने। किसने हड्डियाँ तोड़ दी सर? जिस बैल को अभी हम पकड़ने जा रहे हैं ना, काफी लोगों को रैंडमली अटैक किया है। उनका कहना है कि काफी ज्यादा एग्रेसिव और लोगों पे हमला कर रहा है। इसने एक दो पर्सन को मारा हुआ था ना, तो इसके लिए फिर हमने गांव वालों ने डिसाइड किया कि इसको कहीं गौ सदन वगैरह से पकड़ देते हैं। भाई इसको बांध रखा है बैल को? पकड़ है भाई, खुला हुआ है। ये आपके गाँव का ही है कहीं बाहर से? बाहर से छोड़ गया इसको, शायद इसकी जो माइंड है ना उसमें कुछ हुआ है तभी तो मार रहा है ये। पहले नहीं मारता था किसी को भी, यहीं बैठा रहता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। अब मारने स्टार्ट हो गया इसलिए तो परमिशन लेनी पड़ी। अब सिंह बंद नशा हो गया इसको, अभी लग गई दवाई। अब ये सब कुछ इस बैल के साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसकी कैस्ट्रेशन कर सकें, जिससे इसका गुस्सा थोड़ा कम हो और ये लोगों के साथ फिर से मिलजुल के रह सके। अब हम तो कैस्ट्रेट करने से पहले इसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे ताकि इसको दर्द ना हो, पर पूरे भारतवर्ष में बैलों के साथ ऐसा बिना एनेस्थीसिया दिए किया जाता है। जब डेयरी वाले गायों के बचपन में ही सींग जलवाते हैं तब भी उन्हें कोई एनेस्थीसिया दिया नहीं जाता। तो मैं कहता हूं कि आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपने किसी जानवर का कभी पैसे के नाम पर, कभी स्वाद के नाम पर खून चूसना है, तो ऐसे चूसो ना कि कम से कम उसको दर्द तो ना हो। Yeah, absolutely. Yeah. It's your place. How Robin and I connected was I just did a film about dogs called Lakkad Bagga. He was very kind enough to do a reel on the film. No, you made me hold your stuff. She's Mooli. Mooli. और मुझे तो प्यार भी हो गया मूली और she's up for adoption. Thank you again. Thank you. Yeah, this is papaya flower. Flower. Yeah. Sorry, banana flower. Yeah. Few days after banana come out. I love bananas. You love bananas? I love bananas. Yeah, banana is a good source of energy. Yeah. बहुत ज्यादा है ना? हां जी। सूजन बढ़ गई इसकी? ओके आई नो, बहुत दर्द है, बहुत दर्द। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं, चीटी काट के बस बस बस। अभी उसका कंडीशन बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस है, मुश्किल। इसको क्या हुआ तेरे को? ये सूख रहा है, वो पास मत करो। ये ऐसे खड़ा जैसे भी घूमेगा 360 सब उड़ा देगा। हमारे सारे जानवर देखो सबने होली मनाने के बाद भी सारे ऐसे ही हैं, साफ साफ।
गुब्बारे तो नहीं भर रहे ना तुम लोग यहाँ पे, क्या हो गया? क्या हो गया? जाके छुप जाओ तुम। मैं छुपा क्या हुआ था? तुम्हें अच्छा इतनी जोर जोर से चलाई वहाँ पे भैया, बाहर आओ बाहर आओ। मैं बाहर ही तो था, मैं तो अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठा हुआ नींबू के पेड़ के नीचे। तो भैया गुस्सा है माँ बाप साहब आपसे। ज्योति आप गुस्सा हो मुझसे? साहिल साहिल भी गुस्सा नहीं है, सारे गुस्सा है। तुमने क्या किया? पानी फेंका एक दूसरे पे, मैं वैसे ही नहा लिया था। तो क्या हुआ, कुछ तो किया था ना तुमने? या तो कुछ ऐसा होगा ना कि कुछ बना के लाए हो खाने के लिए। मैंने खाया होली थी, वो होली थी। क्यों? होली पूजा, खाने पूजा की चीज़ थी। माल पूरे बना के मिल गए। जाओ जाओ उनके साथ ही खेलो। चार्ली थोड़ा बेटर फील कर रहा है ऐसा लग रहा है। स्टेबल कंडीशन है अभी, लिवर एंजाइम्स अभी भी बढ़े हुए हैं उसके, बढ़ रहे हैं। मैम ने कुछ नहीं बोला है कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड। कोई है इधर? अब बी प्रिपेयर्ड जब कह भी दे कोई तो तुम कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हो? मैं तो ये करता हूँ भैया, हाथ सा होने के बाद फिर उस तरफ सोचना ही नहीं। ब्लॉक इसको नाम नहीं पता अपना। पता है क्यों नहीं पता उसका? झिलमिल जब वॉक पे जाती है मेरे साथ लीश पे नहीं जाती, इसको मैं बुलाता हूँ। ये थोड़ी डोरी है, जब ये यहाँ पे याद नहीं एक बार उसमें थी पपी पेन में और हम इसको आवाज मार रहे थे, इसको सुनाई कम देता है। झिलमिल झिलमिल, आवाज कहाँ से आ रही है? वो देख कर रहा है झिलमिल। अच्छा बोलो इसको आउट तो भागा दिए फार्म से। मत कर मेरे साथ, मुझे स्पॉट की तो मिल गई है वारिस, मुझे अब अपना वारिस ढूंढना है कोई।